तुला राशि यानी कि लिब्रा, जब भी चंद्रमा आपकी कुंडली में 7 नंबर में बैठे हो तब बनती है तुला राशि। दोस्तों तुला राशि के स्वामी है शुक्र यानी कि वीनस। वीनस किस चीज के कारक है? वीनस कारक है सुख सुविधा के, आपके ऐशो आराम के, जितने भी रुपए पैसे होते हैं उसके भी कारक होते हैं शुक्र ग्रह। जितनी भी आरामदायक वस्तुएं होती है आपके आसपास वो सब शुक्र देवता के चलते ही होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लग्जरी को पसंद करते हैं, ब्रांड को पसंद करते हैं। राशि के लोग जो होते हैं वो काफी खूबसूरत होते हैं देखने में और अपना ध्यान भी बहुत रखते हैं, मतलब सजना सवरना इनको बहुत पसंद होता है। ये अपने ब्यूटी पे, अपने मेकअप पे काफी खर्च करते हैं और उससे इनको खुशी भी मिलती है। दोस्तों ऐसे लोग ज्यादातर आपको सोशल मीडिया में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं जो तुला राशि वाले लोग होते हैं। इनको अपने चेहरे से, अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार होता है जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों तुला राशि के जो दूसरे भाव के स्वामी हैं वो हैं मंगल देवता, तो उनकी जबान थोड़ी कड़वी होती है, वो फटाक से किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, मतलब बोलने से पहले सोचते नहीं है। ससुराल पक्ष से भी इनकी बनती नहीं है अगर मंगल देवता दूसरे भाव में ही बैठ जाए तो, ससुराल से इनका अलगाव बहुत जल्दी हो जाता है और इनको नुकसान भी पहुंचता है ससुराल वालों से। अक्सर देखा गया है कि जो तुला राशि वाले लोग हैं इनका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब रहता है, यानी कि जो लव लाइफ होती है, जो शादीशुदा जिंदगी होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि इसके भी कारक मंगल होते हैं। मंगल जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं और अक्सर देखा गया है कि जब ये लोग अपने पार्टनर से मिलते हैं तो सामने वाला जो होता है वो उसका अप्रोच इनके प्रति अच्छा नहीं होता है, वो काफ़ी रूखे स्वभाव का होता है। हालांकि तुला राशि वाले लोग जो होते हैं वो बहुत बैलेंस्ड होते हैं अपने लाइफ में, रिश्तों को बहुत बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन पार्टनर इनको उतना कोऑपरेटिव नहीं मिलता है, इनकी बातों को वो नहीं समझता और अपनी ही बात चलाने की कोशिश करता है, जिस वजह से इनके वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में परेशानियां आ जाती है। इनको ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है अपने पार्टनर के मामले में। अक्सर देखा गया है कि तुला राशि वालों की जो लव लाइफ होती है वो भी अच्छी नहीं चलती, इनके जो पार्टनर होते हैं वो इनको छोड़कर चले जाते हैं या फिर वो इनको धोखा भी दे देते हैं, तो ये तुला राशि वाले लोगों की ये समस्या देखी जाती है। लेकिन अगर मंगल देवता अच्छे बैठे हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं तो काफ़ी प्यार करने वाला पार्टनर भी इनको मिलता है जो इनको इन्हीं की तरह प्यार भी करता है। दोस्तों तुला राशि वालों के प्रोफेशन की बात की जाए तो इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी ये इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको सजाना घर को बहुत पसंद होता है। इसके अलावा ये साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, इसके अलावा ये लोग कॉरपोरेट ऑफिस में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। MBAs जो होते हैं, जो अच्छे अच्छे कॉरपोरेट ऑफिस में अच्छे अच्छे पोस्ट पे होते हैं, HR होते हैं, HR की पोस्ट पे होते हैं, वो तुला राशि वाले लोग ज़्यादा देखे जाते हैं। अब बिजनेस की बात की जाए तो जितनी भी इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़ी बिजनेस है, यानी कि आप जो घर के जितने भी साज सजावट की चीज़ें हैं उससे जुड़े बिजनेस आप कर सकते हैं, आपको उसमें बहुत फायदा मिलेगा। विदेशों से व्यापार करने में भी तुला राशि वाले लोग माहिर होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया लाइन में भी तुला राशि वाले लोग बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, यानी फिल्म इंडस्ट्री, मास मीडिया, जर्नलिज्म के काम में भी तुला राशि वाले लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इन सेक्टर में भी तुला राशि वाले लोग बहुत ही देखे जाते हैं। अब बात करते हैं इनके जो मित्र होते हैं या भाई बहन कैसे होते हैं। दोस्तों इनके मित्र जो होते हैं, मित्र मंडली काफ़ी बड़ी होती है, बहुत सोशल होते हैं ये लोग और बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान करना, उनसे कॉन्टैक्ट बनाना इनको पसंद होता है और ये ऐसा बहुत आसानी से कर भी लेते हैं। अपनी बातों के माहिर होते हैं तो अपनी बातों से सामने वाले को मन मोह लेना ये भी इनको बहुत अच्छे से आता है। काफ़ी समझदार, सुलझे हुए और बैलेंस लेकर चलने वाले होते हैं तुला राशि वाले लोग। अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों तुला राशि वाले लोगों को ये अक्सर देखा गया है कि उनको अपने जो पार्टनर है उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपको अपने लव लाइफ और मैरिज में काफ़ी बैलेंस रखकर चलना है। बहुत ज़्यादा दबना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अक्सर देखा गया है कि सामने वाला आपको झुकाते झुकाते कहीं ना कहीं इतना दबा देता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो रिश्तों में एक बैलेंस बनाइए,
सामने वाले को इम्पोर्टेंस दीजिए लेकिन खुद को भी इम्पोर्टेंस देना सीखिए। इनके मकान, वाहन, सुख सुविधा, इन सब के कारक होते हैं शनि देव तुला राशि में। शनि देव शुक्र देवता के मित्र हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इनके पास अपना लैंड, व्हीकल, बड़ी गाड़ी, बड़ा जमीन, बहुत सारी जमीन और बहुत सारे मकान, यानी एक नहीं एक से ज्यादा मकान हो सकता है तुला राशि वाले लोगों का। बहुत ही कम उम्र में ये अपना मकान बना लेते हैं और वो मकान इनका अच्छा भी होता है, इसीलिए अपने लाइफ में या दो या तीन मकान भी बना लेते हैं क्योंकि शुरुआत ही इनकी बहुत जल्दी हो जाती है। वाहन भी ये अक्सर अच्छा और बड़ा ही लेते हैं। देखा गया है कि ये वाहन के बिजनेस में भी काफी अच्छा करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट के काम में भी ये काफी अच्छा करते हैं क्योंकि शनि लोहे के कारक हैं और शनि जब इनको वाहन देते हैं तो वाहन से जुड़े बिजनेस भी ये कर सकते हैं, उससे भी इनको बहुत फायदा होता है। माता का सुख इनको थोड़ा कम मिलता है, माता पिता से लगाव इनको रहता है लेकिन इनके माता पिता इनके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे इनको अक्सर ज्यादा लगाव देखा गया है माता पिता के कंपैरिजन में। इनका जो चाइल्डहुड होता है वो भी काफी स्ट्रगलिंग होता है, यानी कि डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसी वजह से ये बहुत अर्ली ही, बहुत जल्दी ही अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अपने लाइफ में तरक्की करना शुरू कर देते हैं।